इसका स्वरूप बहुत बताएंगे, लेकिन पहले सबको मालूम होना चाहिए राइट्स क्या है। बाबा साहब ने एक विजन के साथ कॉन्सेप्ट को रचा है। अगर कॉन्सेप्ट को मंदिर समझे तो उसका गर्भगृह है सोशल जस्टिस से संबंधित प्रावधान। तो यह हमें समझना बहुत जरूरी, इसका एक और दूसरे का अटूट संबंध है। पूरा ढांचा समझने पर ही हमें मालूम होगा राइट्स क्या है और उसको कैसे प्रोटेक्ट करना, कैसे प्रमोट करना और लक्ष्य का साधन करना। पहले हमारे प्रीएम्बल में ये लफ्ज़ है जो राष्ट्रपति जी बोल रहे थे, इक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वालिटी से नहीं रुका, उसका परिभाषा भी दिया इक्वालिटी स्टेटस, यानी पारंपरिक उच्च नीचत्व जो था जाति व्यवस्था के वजह से जन्म से उसको खत्म करना, दैट इज इक्वालिटी ऑफ स्टेटस। और इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी भविष्य, फिर जस्टिस, ये किसी कॉन्सेप्ट में नहीं है। जस्टिस का भी परिभाषा दिया है सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल, पहले सोशल जस्टिस, फिर उसके जरिए फ्रेटरनिटी सौभ्रातृत्व, जो आप नहीं है जो होना चाहिए उसके लिए इक्वालिटी और जस्टिस जरूरी है। सोशल इक्वालिटी सोशल जस्टिस, ये सब मिलने से लिबर्टी होगा असल लिबर्टी। तो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस का मतलब क्या है, सोशल इक्वालिटी सोशल का मतलब क्या है, यानी परंपरागत जाति व्यवस्था से जो असमान हुए, जिन पर असमानता थोपी गई, वो ऊंचों के समान लेवल पे आना, वो सोशल इक्वालिटी। और सोशल जस्टिस क्या है, समग्र वो कानून और प्रोग्राम है जिसके जरिए सोशल इक्वालिटी पा सकेंगे। उसमें एक है रिजर्वेशन, लेकिन एकमात्र नहीं है। फिर आर्टिकल 43 प्रीएम्बल से नहीं रुका, आर्टिकल 46 जो बुनियादी है जिसमें कहा गया है कि द स्टेट शैल प्रमोट द इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल एडवांसमेंट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड इन पर्टिकुलर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड वायलेंस। फिर वही होगा 54 में स्टेट को ये ड्यूटी देते हुए, ड्यूटी है वो 154 में कहा गया है कि शेड्यूल कास्ट सर्विस जो भी चाहिए उनके हित में और सामाजिक शैक्षिक पिछड़े वर्गों की प्रगति के लिए भी चाहिए वो सब करने का अधिकार स्टेट को दिया गया। स्टेट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है, म्यूनिसिपैलिटी भी है, पंचायत भी है, यूनिवर्सिटीज भी है, पब्लिक सेक्टर भी है। फिर 17 में अबॉलिश ऑफ अनटचेबिलिटी, 23 बंधुआ मजदूरी, फिर उसके बाद एम्प्लॉयमेंट में सरकारी एम्प्लॉयमेंट में 335 वो लोग भूल जाते हैं। 335 में कहा गया है ये पाबंदी की द राइट्स ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन एम्प्लॉयमेंट एंड सर्विस ऑफ द स्टेट शैल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन, ये शैल है नहीं। फिर 16(4)(4)(a) राइट टू प्रमोशन के लिए वहां खतरा आया है कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से, उसको पार करना है, कैसे करना है ये भी सरकार को मैंने सलाह दिया है। फिर पार्ट 16 और शेड्यूल 9 ये दोनों राजनीतिक अधिकार, लोकसभा में, स्टेट असेंबलीज में, पंचायतों में, त्रिस्तरीय म्यूनिसिपैलिटीज। फिर ट्राइबल एरियाज के लिए 275,
इन सबकी देखभाल के लिए कमिश्नर है, एसटी कमिश्नर, एसटी कमिश्नर, बीसी कमिश्नर भी बनने वाला है कॉन्स्टिट्यूशन सोशल एजुकेशन बैक ट्रस्ट के लिए। सवाईगढ़ कमीशन को कानूनी दर्जा भी था, वो भी चला गया, उसको भी संविधान दर्जा देना है। पहले कानून दर्जा था, उससे नीचे चला गया, अब सिर्फ इश्यूड ऑर्डर है, तो बड़ी नाइंसाफी हुई स्वागत करने के बारे में, उसको ठीक करना है, अगले चार पांच महीने में कर सकते हैं गवर्नमेंट। फिर आर्टिकल 340 सोशल एजुकेशन बैक प्लस के लिए, जिसके तहत मंडल कमीशन बना, उसकी कथा अलग है। फिर दो लफ्ज और मैं कहूंगा, इसको पूरा विस्तार से बात करूंगा अगले सेशन में, स्पेशल कॉम्पोनेंट प्लान और ट्राइबल सब प्लान, जिसके तहत स्पेशल कॉम्पोनेंट का रूपीकरण मैंने किया, रूपकल्पना और रूपीकरण मैंने किया, और ट्राइबल सब प्लान मेरे दो दोस्तों ने, मेरे बैचमेट्स, वो उन्होंने किया। इन दोनों का उद्देश्य यह है कि आबादी के अनुपात से ना कम होते हुए हिस्सा बजट का वो रकम अलग रखे एससी और एसटी की प्रगति के लिए, समानता बोलने के लिए जो भी चाहिए वो उसको रखना है, लेकिन वैसा नहीं हो रहा है। अब जो हो रहा है आंकड़ों का खेल। फिर पीसीआर एक्ट, आर्टिकल 78 में अनटचेबिलिटी का अवॉर्ड किया गया, उसके लिए एक्ट बना, लेकिन एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं हो रहा और एक्ट में भी काफी सख्ती नहीं है, लाना चाहिए। फिर आर्टिकल 46 में प्रोटेक्शन की बात कहा है, इसलिए एससी एसटी प्रोविजन अट्रोसिटी एक्ट, उसको और ताकत मिला 2015 के संशोधन से। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट से कमजोरी आई, उसको पूरा करके पहले जैसे बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट ने एक्ट का अमेंडमेंट बना 2018 में, और लेकिन इसमें वीकनेस है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। उसके बारे में मैं दोपहर को प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स के बारे में जब बात करना है कहूँगा। तो एससी एसटी और बैकवर्ड कास्ट को भी अपना पूरा अधिकार जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, इसको वो पहले समझना, इसको पाने के लिए हर एक को एक वोट है, एक ही वोट है, उसका सही इस्तेमाल कैसे करना। पार्टियां एससी और एसटी का उपयोग किए हैं, एससी और एसटी का उपयोग किए हैं, अब एससी एसटी को सीखना है कि पार्टियों का कैसे उपयोग करना। सभी पर एक दूसरे को खेल होता है, हम पार्टी को एक दूसरे से खिलवा के अपना राइट्स पाना चाहिए, पाया जा सकता है, उसके लिए समझ चाहिए, एकता चाहिए, एकात्मता चाहिए, और डेमोक्रेटिक मोबिलाइजेशन, उसमें ये फोरम और चेंबर, इनका बड़ी पात्रता है, उसको निभाने में उनको मेरी शुभकामनाएं और मेरा पूरा सहकार रहेगा। Thank you.